नमस्कार, संगीता'स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी ये छिलका मूंग की दाल से भरी हुई कचौड़ी। तो जिसके लिए मैंने रात भर ये दाल को भिगा दिया है, और भिगाने के बाद हम इस तरह से इसके छिलकों को रिमूव करेंगे, और ये धीरे धीरे बिल्कुल दाल हो जाएगी साफ, और इसको फिर अपन दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने दाल को दरदरा पीस लिया है, और इसको अब हम भूनेंगे अपनी कचौड़ी के लिए। अब इस तरह देखिए, ये मैंने लिया है 1 कप मैदा, और इस मैदा के अंदर मैं डालूंगी सिर्फ नमक, और हमें कोई चीज़ नहीं डालनी इसमें, सिर्फ हम डालेंगे नमक, और डालेंगे इसमें शुद्ध देसी घी। ये मैंने 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच और डालेंगे, और फिर हम इस आटे को मार लेंगे, और फिर हम बनाएंगे इसकी कचौड़ी। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पर। अब ये देखिए, मैंने सबसे पहले कचौड़ी बनाने के लिए जो फिलिंग है उसकी तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा बेसन ड्राई रोस्ट करा है। अगर हम बाद में बेसन को डाल के रोस्ट करते हैं तो अक्सर वो कच्चा रह जाता है, और उसमें वो बात नहीं आ पाती, थोड़ा कच्चापन आता है। तो सेफ मेथड ये है कि आप पहले इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ड्राई रोस्ट होके जैसे ही इसमें थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसको कर दूंगी अलग। अब दाल की कचौड़ी की फिलिंग के लिए सबसे पहले मैं डालूंगी हींग। ये मैं शुद्ध घी में ही बना रही हूँ इसकी फिलिंग, और थोड़ा सा हम डालेंगे जीरा, और जीरा डालने के बाद ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये दाल। ये देखिए, इस तरह से ये हम दाल को थोड़ा सा भूनेंगे, और उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा नमक। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि आटे में भी है, और थोड़ा सा डालेंगे मिर्च, और मैं डालूंगी खटाई, और इसको अब हम थोड़ी देर भूनेंगे। और देखिए, मैंने डाला है थोड़ा सा इसके अंदर ड्राई पुदीना, और हम डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ बेसन। बेसन डालने से बहुत ही अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी, और ये हमारा मसाला हो जाएगा तैयार। ये देखिए, ये बिल्कुल ड्राई मसाला, चटपटा तैयार हमारी कचौड़ी की फिलिंग के लिए। अब हम बस इसको थोड़ी सी देर और करेंगे ताकि ये दाल हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए, और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ये धनिया। बस, तो अब हमारी मूंग की दाल की कचौड़ी की फिलिंग हो गई तैयार। मैंने इसके अंदर कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है, और ये देखिए, अब हमारी ये फिलिंग हो गई बिल्कुल तैयार, और इसको अब मैं करूँगी खाली, और इसका ठंडा होने का वेट करेंगे, जब तक हमारी मैदा का जो आटा मैंने माड़ा है वो भी रेस्ट पर है, और फिर मिलते हैं कचौड़ी भरने के प्रोसेस पर। अब इस तरह से देखिए, ये फिलिंग को हम डालेंगे इसके अंदर, और छोटी छोटी इस तरह से इसको रैप कर देंगे। ये रैप करने के बाद इसको बंद करेंगे, और चाहें तो आप ऐसे ही इसको हाथ से बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा बड़ा करूंगी। तो थोड़ा सा डस्ट कर लीजिए आप आटे में या मैदा में, और फिर आप इसको इस तरह से बेलिए, और हल्का हाथ, पोले हाथ से बेलना होता है ताकि कचौड़ी फटे नहीं। और अब हम डालेंगे इस कचौड़ी को इसके अंदर, ये देखिए कितनी बढ़िया, जैसे हलवाई बनाता है कचौड़ी, किस तरह से बढ़िया खस्ता, और इसका खस्तापन आता है असली घी से जब आप अपने आटे में मोइन देते हैं। तो तेल ना यूज़ करिए, और ये देखिए, ये हमारा नाश्ता बिल्कुल बढ़िया तैयार। और अब आप लोग तैयार हो जाइए, आपकी तारीफ होगी ही, और लोग पसंद करेंगे इसको, और
किसी को ये एहसास नहीं होगा कि कोविड के अंदर आप बाजार नहीं गए, आपने खाना नहीं खाया। बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता, ये देखिए, ये अपने आप ही फटने लग जाती है इसके अंदर। और ये देखिए कितनी बढ़िया फूल रही है। अभी मैंने आज को एकदम धीरा करा हुआ था और ये देखिए है बढ़िया। तो बस तैयार हो जाइए। थैंक्स फॉर लाइकिंग माई वीडियोस। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव दीज वीडियोस। वाओ, व्हाट अ ब्रेकफास्ट।